अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथों से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यही बात आज साबित हुई है मनिहारी मिर्जापुर के रहने वाले दो कुख्यात अपराधियों रामनिवास यादव और बिपिन यादव उर्फ दीपेन यादव के साथ। यह दोनों कुख्यात अपराधी हैं और आपस में भाई है। आज से लगभग सवा दो वर्ष पहले इन दोनों ने अपने दो भाइयों एवं अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर आजमपुर गोला के दो किसानों एक्स आर्मी महेश यादव और उनके छोटे भाई सुनील यादव की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद यह अपराधी मृतक के शवों को भी अपने साथ ले गए थे। इस हत्याकांड में पुलिस ने चार अपराधियों को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये दोनों मुख्य आरोपी रामनिवास यादव और बिपिन यादव लगातार पुलिस को चकमा देने में सफल हो रहे थे। इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दोनों की संपत्ति की कुर्की जब्ती भी की थी। तब से ही मनिहारी पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। आखिरकार जिला पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार के निर्देश पर मनिहारी पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष योजना बनाई। इस योजना के तहत चारों ओर जाल बिछाया गया। देखते ही देखते पुलिस को बड़ी कामयाबी भी मिल गई। हमारे मनिहारी संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने दियारा क्षेत्र से इन दोनों कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी देते हुए मृतक एक्स आर्मी महेश यादव के छोटे पुत्र सुमन सत्य ने हमारे मनिहारी संवाददाता मिठू को बताया कि इस गिरफ्तारी से उनका पूरा परिवार राहत महसूस कर रहा है और उन्होंने पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार से गुहार लगाई है कि गवाही के लिए उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए और जल्द से जल्द गवाही कराकर आरोपियों को सजा दिलाई जाए। आप खुद सुनिए इस कॉल रिकॉर्डिंग को। हेलो जी, सत्यम जी अपना परिचय दीजिए। आप अपना पहले। मेरा नाम सुमन सत्य भाविया जी। क्या जानकारी मिली थी आपको? मेरी जानकारी ये थी कि मतलब आज तो गांव से मतलब कुछ आदमी दीरा में काम कर रहे थे, वो बताए कि आपके जो पापा के हथियारे थे, ठीक है, उसमें दो गिरफ्तारी हुई है। कौन है? उसमें रामनिवास यादव है, बिपिन यादव है। अच्छा, और मरने वाले कौन थे? कितना दिन पहले हत्या हुई थी? ये आज से दो साल पहले की घटना है। 18/9/2021 को मेरे पापा मिसिंग थे, चाचा की बॉडी मिली थी, ठीक है, चार दिन के बाद। और जो है ये इतना आतंक मचा के रखे हुए थे, अभी भी केस का दबाव था, गवाही नहीं देने का प्रोसेस था, और अभी तीन साल से मेरा खेती भी नहीं हो पा रहा है कहीं भी, वो बघारबिल का खेती हो, दीरा का खेती हो, कहीं भी अभी पूरा आतंक मचा के रखा हुआ था। और एसपी महोदय का और थाना मनिहारी थाना का प्रयोग से और सबका सहयोग से पकड़ा गए, तो उसकी अच्छी बात है कि मतलब कि कानून का प्रक्रिया में तो हम लोग तो शुरू से मान है ही और मान है भी, और उसमें भी दो गो का बेल अभी भी तत्पर है। वो क्या कहते हैं, पहले था एक साहेब यादव और जो है एक लालू प्रसाद लालू यादव, वो बेल पे बाहर है अभी भी। प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि हमें गवाही का प्रोटेक्शन दिया जाए जितनी जल्द हो, कि हम क्रिमिनल उससे तो हम शक नहीं सके। अब मेरे ऊपर घर पे दबाव आएगा, ठीक है, गिरफ्तारी भी प्रशासन से हम ये दबाव करते हैं, हमें सहयोग दिया जाए और मेरा खेती कराया जाए। और जो है सर से, एसपी सर से, महोदय से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्द हो गवाही को गुजारा जाए और हम लोग गवाही देने के लिए तैयार हैं।